नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। देखे कोई माने या ना माने, पर इस वक्त गधैया नृत्य है और बकरी कुदान का केंद्र पाकिस्तान बन चुका है। मतलब तहमत पर चांद बनाकर सूरज की तरफ पिछवाड़ा उठाने वाली कौम अब ततैया बीन बजा रही है। इस मदरसा पैदाइश का मुल्क चौथी स्टेज में पहुंच गया है, जिसका सीधा अर्थ यही है कि यह हालात बेकाबू हो चुके हैं और अब इस रोग को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। यानी विशेषज्ञों का यह अनुमान सही साबित होने वाला है, जिसमें उन्होंने मई महीने तक 2 करोड़ पाकिस्तानियों के संक्रमित होने का अंदेशा जताया है, जबकि इसके इतर पीएम मोदी का प्रयास सफल होते दिखाई दे रहे हैं। भारत ने इस बीमारी को दूसरी स्टेज से आगे नहीं बढ़ने दिया है। कहने वाले तो यही कहते हैं कि जिन तहमतों को जोड़कर इन्होंने मच्छरदानियां बनाई थी, अब उन्हें जनाजे के लिए तैयार किया जाने लगा है। इसका आदेश नबी ने ख्वाब में आकर इन्हें दे दिया है कि मस्जिदों के बंद होने का मतलब कयामत के आने का संकेत है। यानी तहमत उठाओ, कब्रिस्तान की तरफ दौड़ लगाओ। इसका असर भी कल पाकिस्तान में देखने को मिला। पाकिस्तान में एक ही दिन के अंदर रिकॉर्ड मरीज बढ़े हैं। इनकी संख्या बढ़कर 1463 हो गई। फिलहाल हुरों की तलाश में फरार हुए लोगों की संख्या 13 है। बड़ी बात यह है कि खुद को परमाणु संपन्न कहने वाली मदरसा पैदाइश अब कीटाणु संपन्न होने जा रही है। कहा तो यह भी जा रहा है कि इमरान लोंडा भी संक्रमण का शिकार हो गया है। हालांकि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता आयशा फारूकी ने इसे कोरी अफवाह करार दिया। पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय इस वक्त दुनिया के देशों के आगे भीख के लिए गिड़गिड़ा रहा है। मजे की बात यह है कि इन बेसरबों ने भीख मांगने की सारी हदें पार कर दी है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने बांग्लादेश से भी मदद के लिए गुहार लगाई। इतना ही नहीं, चीन की भीख पर पड़ने वाले म्यांमार को भी पाकिस्तान ने सहायता देने का निवेदन किया है। यानी दुनिया अपने मसले में उलझी है। भिखारी कटोरा उठाए अभी भी दरवाजे की कुंडी खटखटा रहा है। ईरान की फटकर गले में लटक रही है। इमरान ने कुछ दिन के उधार पर टमाटर भेजने की फरियाद लगाई है। यानी इस वक्त दो कौम की सबसे ज्यादा बज रही है, एक तहमतबाज, दूसरे सूलीबाज। हालात भारत में भी कुछ कुछ ऐसे ही है। यहाँ भी इनके टोकरे ही सबसे ज्यादा पलटे हैं। इसलिए सामाजिक दूरी के लिए इनसे आधा किलोमीटर का फासला बनाकर चलिएगा, वरना जो नबी अभी तक ख्वाब में दिख रहे हैं उनसे रूबरू भी होना पड़ सकता है। पाकिस्तान के लोंडे पीएम ने यू टाइगर फोर्स बनाने की घोषणा की है, पर कहने वालों ने इसे तहमत फोर्स का नाम दिया है, क्योंकि पाकिस्तान के पास खाने को दाने नहीं है। इसलिए भुखमरी और वायरस से मरती मदरसा कौम को यह तहमत पर छपे चांद को दिखाने से ज्यादा कुछ नहीं दे पाएंगे। यानी पिछवाड़ा दिखाओ और लौट आओ, साथ में दस्तक भी ले लो कि चांद सही सलामत है या फिर अमावस्या में तो नहीं बदल गया है। पर इस तहमत फोर्स के उलट पाकिस्तानी मुल्ला बाजगिरी से बाज नहीं आ रहे हैं। यहाँ ऐलान कर दिया गया है कि मस्जिद में जरूर ठुमके लगाएंगे, बाजे बजे या नहीं। कल जुमे के रोज पाकिस्तानी सरकार के आदेश की इन्होंने जमकर धज्जियां उड़ाई। यहाँ बहुत सी मस्जिदों में बाकायदा नमाज अदा की गई और सामाजिक दूरी का मजाक बनाया गया, जिसका असर आने वाले दिनों में दिखाई देगा। यानी अगले हफ्ते तक यहाँ संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 20,000 तक पहुंचने की संभावना है, जो यकीनन दुनिया के शांति प्रिय मुल्कों के लिए राहत की एक बड़ी खबर है। पाकिस्तान की मदरसा पैदाइश की इतनी इस बीमारी ने नहीं फाड़ी जितनी इमरान खान ने फाड़ रखी है। लड़का आज एक बार फिर सलवार निकालकर खड़ा हो गया। उसने कहा कि देश में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि लोगों को राहत दी जा सके। वैसे ले देकर 170 के लगभग परमाणु बम जरूर है, उन्हें चाटकर ठीक हो सकते हैं तो तैमन चढ़ाकर जरूर पहुंच जाइएगा। वैसे पाकिस्तान के मुल्ला जमाली ने पाकिस्तानियों को ऊटनी का मूत्र पीने का सुझाव दिया है, जिससे इस बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। कुछ मुल्लाओं का तर्क है कि कबूतर के गले की झिल्ली खाने और उसकी बीट को पानी में घोलकर पीने से भी इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत हो जाता है। यूं भी इस कौम में दो चीजें प्रकाश की गति से भी तेज चलती है, एक मुल्ला का फतवा और दूसरा ईद के चांद का जलवा। ऐसे में इस देश में ऊटनी के मूत्र और कबूतर के बीट की कालाबाजारी शुरू हो जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। माना यह भी जा रहा है कि जिस दिन पिंकी पीरनी ने अपना बुरका उतार फेंका, यह वायरस उसके नूर के आगे टिक नहीं पाएगा। मगर पिंकी पीरनी जिन और पीर के बीच में उलझी है, ऐसे में सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे हैं। पर कहीं ऐसा ना हो कि जब तक इमरान लोंडे की सलवार चढ़े और पिंकी बुरका फेंके, पूरा पाकिस्तानी कब्रिस्तान ना बन जाए, क्योंकि भीख मिल नहीं रही, खजाना खाली है, आवाम मस्जिद में पिछवाड़े रगड़ रहा है और ये वायरस नगाड़े की तरह खुलेआम बज रहा है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आओगे। आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।